तो ये व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तो मैं एक ट्रेजर मैप ढूंढ, मेरे को मतलब एक चेस दिखा था, बड़ी ट्रेजर मैप एक्सरे ग्लिच टाइप से, मतलब वो ग्लिच था, एक्सरे नहीं किया था मैंने। तो ये आपको पिलर दिख रहा होगा, वो है 00 इस वर्ल्ड का, मतलब ये सेंटर है इस वर्ल्ड का। तो यहाँ से हम माइन करने वाले 20,000 ब्लॉक्स, और देखिए कि हमें कितना मिलता है स्टोन, मतलब कितना सारा ओर्स मिलता है हमें। तो अभी पहले तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं, और ये इसकी तो अभी कोई ज़रूरत है नहीं। उससे पहले हमें थोड़ा बहुत इंतज़ार वो भी करना पड़ेगा। तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हमारी माइनिंग की ट्रिप। तो अभी तो पहले हमें सबसे पहले -57 पे जाना चाहिए, बट मेरे को लगा -59 था, तो मैं 59 पे करने लगा। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नीचे पहुंच जाता हूँ। ओके, तो अभी हमें आ चुका हूँ -59 पे, और मैं 10 ब्लॉक्स माइन कर चुका हूँ। फिर मेरे को याद आया कि रिकॉर्डिंग भी करनी है हमें, तो अभी मैं आगे जाते जा रहा हूँ और देखते हैं हमें क्या कितना मिलता है। तो अभी जैसे ही मुझे कोई ओर या डायमंड ओर मिलता है तभी मैं आपको मिलता हूँ। लेट्स ओके, तो हमें डायमंड्स तो मिल चुके हैं, दैट्स नाइस। अच्छा है मैं -57 से चालू कर दिया वापस। मेरे को पहले लगा था 59 है बेस्ट लेवल, वाई लेवल अभी, बट -57 था। तो अभी हम माइन 0 तक जाते हैं, और फिर बाद में इसको माइन करके मैं आपको मिलता हूँ 1000 ब्लॉक्स या 500 ब्लॉक्स पे। लेट्स गो। ओके, तो हमारा 499 ब्लॉक्स बाकी है, और इसमें हम डिस्प्लेट वाले में भी आ चुके हैं, मतलब न्यू चंक्स, और ये हो गया हमारा 500 ब्लॉक्स, जो कि बहुत अच्छा है। बट ये तो ऑलमोस्ट शुरुआत ही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने में मुझे 3 दिन लग गए, सैटरडे संडे और मंडे, नहीं फ्राइडे सैटरडे संडे, ये पूरे 3 दिन मैंने बस स्ट्रिप माइनिंग की है इसकी। मैं आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, सर्वाइवल में करना और प्लस उसमें करना पॉकेट एडिशन फ़ोन में। तो 1000 ब्लॉक्स भी होने ही वाले, एक और ब्लॉक और 1000 ब्लॉक्स हो गए, दैट्स नाइस। और मेरे को 48 रेडस्टोन भी मिल चुका है डीप स्लेट वाला, और बाकी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मतलब टाइम पास करते जा रहा हूँ, और फिर बाद में पीछे जा रहा हूँ और खोदते जा रहा हूँ। इसमें मेरे को 8 डायमंड, 30 डीप स्लेट वाले डायमंड, 7 गोल्ड, 9 गोल्ड और 7 आयरन मिल चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको आगे का दिखाता हूँ। लेट्स गो। ओके, तो हमारे 1500 ब्लॉक्स भी हो चुके हैं, 1500 ब्लॉक्स, यानी कि 1500, जिसको जो एक अच्छा माइलस्टोन है। अगर इतने सब्सक्राइबर्स भी हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना है। और अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए जिसमें मुझे पेन हो और आपको मज़ा आए, तो सब लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और बताना कि ऐसे में कौन से चैलेंज करूँ
इसको ही मैं एक्सटेंड करके 50,000 करूँ, या फिर कोई इस सेम चैलेंज को मैं नेदर में करूँ, ये भी बताना मुझे। और अभी मैं आगे का आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ, लेट्स गो। ओके, तो हमारे अभी थोड़ी देर में 2,000 ब्लॉक्स भी हो जाएंगे, एक और ब्लॉक और 2,000 ब्लॉक्स। डैम, ये करने में भी मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया होगा, 1-2 घंटा आराम से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मेरी पिकेक्स की हेल्थ भी आप देख सकते हो बहुत कम है। अच्छा नहीं, सॉरी, मैंने अपनी पिकेक्स चेंज कर ली थी, वो मुझे दिख नहीं रहा इसमें बिकॉज नहीं, अच्छा चेंज नहीं किया, तो इसमें मुझे मिले हैं 50 रेडस्टोन, एक और स्टैक उसमें पड़ा है एंडर चेस्ट में, 62 डायमंड, 11 गोल्ड और 12 आयरन। तो मैं आगे की जर्नी अभी आपको बाद में बता, तो अभी हमारा 2,500 ब्लॉक्स भी होने वाला है, और ये 2,500 ब्लॉक्स, तो इसके बाद अभी मैं आपको सोच रहा हूँ कि 5,000 ब्लॉक्स पे ही मिलूँ। तो अगर मेरे को कुछ क्लिप्स दिखती है तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊंगा, बाकी तो और जी कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और क्या, लेट्स गो टू 5,000 ब्लॉक। ओके, तो हमारे 5,000 ब्लॉक्स होने में भी अभी 5 ही ब्लॉक्स और बाकी, 4, 3, 2, 1 और 5,000 ब्लॉक्स, और इसमें हमें रेड स्टोन भी मिल चुका है, विच इज़ वेरी नाइस, इतना नाइस कि नाइस भी बोले नाइस। तो इस में हमें 2 स्टैक और 45 रेड स्टोन मिले, 1 स्टैक पूरा डायमंड का मिल चुका है, और ये बाकी के 2 है, और अभी गोल्ड भी मैं ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम सारे ओर्स कलेक्ट करने वाले। और ये बात बहुत मतलब और थी कि मुझे इस पूरी जर्नी में कोल ही नहीं मिला और ना ही कॉपर, मतलब बहुत वियर्ड था कि ना कॉपर मिला और ना ये मिला। तो अभी मैं आपको आगे मिलता हूँ बाद में, लेट्स। ओके, तो 6,000 ब्लॉक्स भी होने वाले हैं हमारे, और मैंने ये टेक्निक यूज़ की जिससे मेरी पिकैक्स की हेल्थ बहुत कम जा रही है, जा तो रही है बट इतनी नहीं, बीच में यूज़ की थी, अभी वापस मैं इस पे आ गया 2 वाले में, मतलब जिसमें हमें 2 ब्लॉक्स खोदने पड़ेंगे 1 ब्लॉक आगे जाने के लिए। तो या अभी तो हम यही माइनिंग कर रहे, और हमारे 22 हो चुका है, और 3 स्टैक और 6 हो चुका है हमारा ये रेडस्टोन, 1 स्टैक हमारा गोल्ड का भी हो चुका है, और ये 8, और आयरन का भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो अभी मैं आपको अपनी अपनी खुद की इन्वेंट्री दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमें 11 आयरन भी मिल चुका है, और एंडर चेस्ट है मेरे पास जिसमें मैंने सब रखा है, इतना मेरे को रेडस्टोन मिला है, मतलब सबका एक एक शल्कर बॉक्स है, डीप स्लिट का मैंने भर लिया, इतने सारे डायमंड्स है हमारे पास, आयरन भी 1 स्टैक हो चुका है, गोल्ड भी 1 स्टैक हो चुका है, और ये सब मेरी नेदरराइट पिकैक्स है उसमें। तो अभी आगे की जर्नी में आपको वापस फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने वाला हूँ। ओके,
हम पहुंच चुके हैं 11,000 ब्लॉक्स से भी आगे, क्योंकि और मैं सब आपको अभी बताने वाला हूँ मेरी कितनी पिकैक्स जा चुकी है। मेरी 3 पिकैक्स डन है पूरी, और ये मेरा दूसरा दूसरा दिन है ये प्रोजेक्ट पे मेरा। और आप सोच सकते हो मैंने पहले किया था, पहले इसको स्टॉप किया था 2,700 पे, और अब मैं हूँ 11,000 पे। मतलब ये वाला दिन मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया था इस प्रोजेक्ट पे। और बाकी अब भी आपको सब दिख ही रहा होगा कितने स्टैक क्या क्या मिला है मुझे। तो अभी मैं आपको आगे की जर्नी वापस फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। लेट्स गो। ज़्यादा डैमेज देता है कि आप देख लो क्या होता है, मेरा टोटम पॉप हो जाता है। मतलब उस एक ग्रेवल इतना स्ट्रांग हो सकती है, आप अब सोच सकते हो इतनी स्ट्रांग हो सकती है ग्रेवल। तो अभी तो आगे की जर्नी भी, मतलब हम 13,000 ब्लॉक्स पे पहुँच चुके हैं, विच इज़ नाइस। और अभी मैं आपको आगे की जर्नी फास्ट फॉरवर्ड में, अभी आप देख भी सकते हो कितना मुझे सब मिल चुका है, बहुत ज़्यादा मिला है मुझे वैसे देखा जाए कंपेयर टू अदर यूट्यूबर्स जिन्होंने 50,000 ब्लॉक्स माइन किए एक स्ट्रेट लाइन में। तो अभी मैं आपको आगे की जर्नी वापस फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा। लेट्स गो। ओके तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 14,000 ब्लॉक्स, विच इज़ बहुत ज़्यादा, और हमें डायमंड्स भी मिल चुके हैं यहाँ पे। और ये मतलब इस ऐसी वीडियोस को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो अभी तक तो लाइक करना,
शेयर करना अपने माइनक्राफ्ट फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, उनको भी करना सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ, लेट्स गो। ओके, तो अभी हम 15,000 ब्लॉक्स पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है माइन करने में। और तो अभी और खाली 5,000 ब्लॉक्स बचते हैं, जिसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बस 5,000 ब्लॉक्स और माइन करने और हो गया। और इसके बीच में मैं घर पे भी गया था, तो अभी मैं आगे की जर्नी दिखाता हूँ, लेट्स। ओके, तो अभी हम 20,000 के बहुत करीब है। तो अभी मैं इसके आगे की रिकॉर्डिंग पूरी ऑलमोस्ट फास्ट फॉरवर्ड ही रखूँगा, बट हम मैं आपको लास्ट में लगा के भी दिखाऊँगा कि टोटल कितना दिख रहा है, वो कितना बड़ा टावर बन चुका है वो एक टाइप ऑफ। तो लेट्स गो टू 20,000 ब्लॉक्स एंड द एंड ऑफ दिस जर्नी। ओके, तो और 5 ब्लॉक्स, 4, 3, 2, 1 और ब्लॉक, और फिर 20,000 फाइनली। ये गोल हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑफ 20,000 ब्लॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी मैं एक 20,000 का एक स्पेशल मतलब लोकेशन बनाने वाला हूँ, जिसमें सारे ओर लगाऊंगा मैं, इंक्लूडिंग डायमंड ओर, नीचे लैपिस, साइड में ये, उसके इधर गोल्ड, ऊपर आयरन, और सामने होगा हमारा डायमंड। और इसको मैं उठाने भी नहीं वाला, यहीं ही रहेगा ये। अगर बाय चांस अगर मेरे को दिख जाता है कहीं पे तो उठा लूँगा, तो नहीं तो नहीं उठाऊँगा अभी। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट मिलता हूँ अपने घर पे और दिखाता हूँ कितना बड़ा इसका टावर बना है। ओके, तो अभी मैं रेडस्टोन लगाने जा रहा हूँ, और मैं बहुत मतलब मैंने आयरन सब लगा दिया है, उसका एक लेयर बना, गोल्ड का भी एक लेयर बना, लैपिस का तो पूरा एक लेयर भी नहीं बना क्योंकि वो मिला ही कम था, तो ठीक है। और ये 16 बाई, मतलब ये पूरा एक चंक है, एक टाइप ऑफ परफेक्ट चंक नहीं है, 16 बाई 16 है। तो अभी मैं रेडस्टोन लगा रहा हूँ, और इसको भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा डायमंड के साथ कि कितना बड़ा बनता है। तब तक आप ये टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। ओके, तो मुझे इसके बाद का वीडियो ही नहीं मिल रहा, तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ कि मुझे कितना क्या मिला। बाय बाय।